ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति, तुम आप जाति कैसे पूछोगे तुम। बिकॉज सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। और कोई इससे? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। क्या RJD और कांग्रेस में सब ठीक है? बता दें कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और लालू परिवार के रिश्ते ठीक नहीं हैं। एक तरफ जहां लोकसभा में राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर द्वारा किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव जोरदार प्रतिक्रिया देते हैं। और भी कई नेतागण जो हैं महागठबंधन के या इंडिया अलायंस के, वो अनुराग ठाकुर से माफी की मांग करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर RJD की अगर हम बात करें, लालू परिवार की अगर हम बात करें, तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव चुप्पी साधे हुए हैं। पूरे मामले पर सवाल उठ रहा है कि क्या इस गंभीर मामले पर RJD को राहुल का साथ नहीं देना चाहिए था। इसी पूरे मामले पर बिहार में सियासत तेज है और कयासों का बाजार गर्म है। जाति वाले बयान पर अखिलेश यादव की बौखलाहट और तेजस्वी यादव की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। बिहार में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव और लालू यादव नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस को किसी प्रकार का कोई माइलेज दिया जाए। पूरे देश में अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर राहुल गांधी के साथ खड़ा दिखाई देता है, वहीं लालू यादव या तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर तीखा तंज कसा था। इस मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों ने कड़ा विरोध किया। अखिलेश यादव ने कहा कि माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में अनुराग ठाकुर के बयान की आलोचना विपक्ष द्वारा की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर ना तेजस्वी यादव का कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट आया, ना ही कोई बयान आया। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के सामने चुप्पी साधे हुए इस मुद्दे को RJD या लालू परिवार की तरफ से बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। और कोई इससे? वहीं दूसरी तरफ RJD की प्राथमिकता जातीय सर्वे बना हुआ है। जाति आधारित सर्वे के आधार पर आरक्षण का ब्रैकेट बढ़ाना ये मुद्दा बना हुआ, और इसी को लेकर हमने देखा था कि कल संसद भवन में मीसा भारती, मनोज झा, संजय यादव जैसे RJD के सांसदों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। जब RJD की तरफ से विरोध प्रदर्शन का अनाउंसमेंट हुआ तो लगा कि शायद राहुल गांधी के जाति पूछने वाले मुद्दे पर शायद RJD अपनी बात रखेगी। लेकिन जब प्ले कार्ड लेकर, हाथों में तख्तियां लेकर RJD के नेतागण प्रदर्शन कर रहे थे, तब साफ हो गया कि ये तो आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। तो जिस अंदाज में लालू परिवार और RJD जो है राहुल गांधी के जाति पर तंज के मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी आजकल जातीय सर्वे को मुद्दा बनाए हुए हैं। संसद भवन में भी राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि आपको मुझे गालियां देनी है दे दीजिए, लेकिन जातीय सर्वे हम करवा कर रहेंगे। जिस अंदाज में राहुल गांधी RJD का मुद्दा जातीय सर्वे का खुद उठा रहे हैं, कहीं इस बात से तो RJD असहज नहीं हो गई। बता दें कि लालू परिवार वैसे भी किसी भी युवा नेता को लेकर अक्सर असहज हो जाता है। इससे पहले हमने देखा कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर भी RJD असहज हो गई थी। इसी वजह से जहां पप्पू यादव को निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव लड़ना पड़ा, वहीं कन्हैया कुमार को दिल्ली से चुनाव लड़ना पड़ा। अब देखना होगा कि एक दौर में जब राहुल और तेजस्वी की दोस्ती बड़ी अच्छी दिखाई देती थी, कभी दोनों साथ में चंपारण मटन खाते दिखाई देते थे, तो कभी कुछ और।
अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दोनों के रिश्ते फिर से सामान्य होंगे, और ऐसी परिस्थिति में जब राहुल पर तीखा तंज हुआ है तो क्या तेजस्वी यादव को सामने आकर बयान नहीं देना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।